Hello guys, welcome everyone. This is Akash and Kuldeep from Deep Brothers. Yamaha ने लॉन्च कर दिया उसका थर्ड जनरेशन FZ मॉडल FI इंजन वाला. तो ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है इंडिया में, देख सकते हैं. ये 7 कलर में अवेलेबल है, रेड, ब्लू, ब्लैक, ये बहुत सारा कलर है. जो FI मॉडल है, जो FZ FI मॉडल है उसमें 2 कलर है, और एक FZS FI मॉडल है उसमें 5 कलर अवेलेबल है. ये अभी LED हेडलैम्प्स के साथ आता है, देख सकते हैं. ये रेड कलर बहुत ही मस्कुलर लुक दिया है. पहले वाला वर्शन भी मस्कुलर लुक था, पर ये थोड़ा रेट्रो मस्कुलर करने की कोशिश किया है कंपनी ने, देख सकते हैं आप. ये 149 cc इंजन है और इसमें सिंगल चैनल ABS है, और फ्रंट और रियर व्हील में इसको दोनों में डिस्क ब्रेक है पिछला मॉडल की तरह. ये एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन है. इसका मैक्सिमम हॉर्स पावर है 9.1 किलोवाट और मैक्सिमम टॉर्क है 13.6 न्यूटन मीटर. ये इलेक्ट्रिक स्टार्टर इंजन के साथ आता है. ये जो पैनल आपको दिख रहा है सब फाइबर है, ये मेटल नहीं है. थर्ड जो वर्शन है इसका, ये FZ मॉडल, ये पहले 2 वर्शन से काफ़ी अलग दिखता है. सामने सिंगल चैनल ABS के साथ आता है ये. इसका सीट हाइट 790 mm है, तो कोई भी हाइट का आदमी इसको चला सकते हैं. और ये सब ऑल एज के हिसाब से बनाए गए हैं, जैसे एजेड आदमी भी इसको चला सकते हैं. इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर है, और इसका माइलेज सिटी में आपको 45 मिलेगा, और हाईवे में 50 to 52 किलोमीटर कंपनी के हिसाब से मिलेगा. ये दूसरा कलर है, देख सकते हैं. ये ब्लू कलर है और एक ग्रे ब्लू का कॉम्बिनेशन है. इसमें नेगेटिव LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो कि सनलाइट में अच्छा विजिबल है. इसके पीछे में 140 mm वाइड रेडियल टायर दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा दिखता है ये. Get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the tunnel closes, starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see. This gravity, it keeps bringing me down. I can't breathe, and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I wanna say goodbye. Yeah.
का हैंडलिंग और ग्रिपिंग ये सेगमेंट में 150 सीसी सेगमेंट में यामा के अंदर सबसे अच्छा है। हैंडलिंग सिटी में सिटी राइड के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये डेली कम्यूटिंग के लिए। इसका जो इंडिकेटर है वो बल्ब है, एलईडी नहीं है। जैसे यामा में सब में नॉर्मल बल्ब इंडिकेटर ही आता है, इसमें भी वही है। इसका सीट जो है वो सिंगल सीट दिया गया है। पिछला जो मॉडल था इसका उसमें जो से क्वीन सीट दिया गया था सेपरेटेड, और इसमें सिंगल सीट है, तो आराम से बैठने के लिए थोड़ा अच्छा है पिलियन के लिए। ये मोनोक्रॉस सस्पेंशन के साथ आता है। इसका जो प्राइस है वो वेस्ट बंगाल में 1,10,000 के अंदर आपको आ जाएगा। जो ऑन रोड प्राइस है 1,10,000 से 1,20,000 एक्सेसरीज लेके आपको कंप्लीट हो जाएगा।